दर्शक के रूप में, धम्मवाक के रूप में तथागत ने स्वयं भिक्खु संघ का निर्माण किया है। मैं सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ इन तीन रत्नों को अभिवादन करता हूँ, जिसके माध्यम से आज हम सब लोग इंसान बन के जी रहे हैं, जिनकी वजह से हम सबको सुख सुविधा फैसिलिटी उपलब्ध हुई है, जिसके वजह से हमें एजुकेशन प्राप्त हुआ है, जिनके वजह से आज जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को, इनके कार्यों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज बहुजन बौद्ध सम्मेलन के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय भदंत आनंद महास्थवीर जी, जो अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के एवं बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष है और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, मंच पर विराजमान आदरणीय भिक्खु संघ, जिसमें धम्म ज्योति जी, सुभद्रा जी, हमारे परम मित्र धम्म शेखर जी, रत्नसार जी, दयानंद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय SC ST के चेयरमैन सुनील रामटेके जी, हमारे साथ में जो भूतपूर्व भत्ते जी भी थे, वर्तमान में अमूल मेश्राम जी, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बुद्ध घोष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धावान बुद्ध उपासक उपासिकाएं, आप सबका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सभी को जय भीम करता हूं, सबको जय भीम। मैं कल राजनांदगांव से आया, विशेष तौर से भंते जी के कहने पर आया और मुझे लगता है गुढ़ियारी इस एरिया में करीबन कोई जानते या नहीं जानते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 30 साल पहले पहली बार उस बुद्ध विहार में आया था और 30 साल के बाद फिर बुद्ध घोष के माध्यम से आने का अवसर मिला। आज यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चिवरदान बौद्ध महोत्सव बहुजन बुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विशेष तौर से कुछ 2-4 बातें आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी जगह जगह बौद्ध सम्मेलन राज्य स्तर पर हो रहे हैं और होना भी चाहिए, किंतु मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के बाद जो बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए
कायदे के अनुसार वो बड़ी नहीं हुई है। जो बौद्धों की जनगणना में संख्या बढ़नी चाहिए वो घटी हुई है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद जो अपने आप में बोध कहते हैं वास्तविक वो कानूनन बोध नहीं बने हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में येवला के सभा में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश में नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। मैं 1935 से लेकर क्या 1935 में आप लोग स्वतंत्र थे? अरे मैं पूछता हूँ आपको भाई लोग, स्वतंत्र थे? किसके गुलाम थे? हाँ, ब्रिटिश के गुलाम थे ना। 1935 के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान बनाने का जवाबदारी दी गई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल इतने महीने इतने दिन में संविधान बनाया, ये सबको मालूम है। 1949 को बना के संविधान दिया, 50 को लागू हुआ और 50 को लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, तब 1950 को संविधान लागू होने के बाद आरएसएस के द्वारा हिंदुओं द्वारा 1952 में संविधान में अमेंडमेंट किया गया, चेंजिंग लाया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये घोषणा की थी कि मैं भारत बौद्धमय करूंगा, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, तो बाबा साहब तो सादे नहीं थे। बाबा साहब ने संविधान भी बनाया और जैसे ही 1954 को भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और उसमें 10 सूत्री कार्यक्रम भारत बौद्धमय बनाने का दिया। 1954 में जब भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुई, 1955 में हिंदू एक्ट मैरिज का लागू हुआ। 1955 का हिंदू एक्ट मैरिज आज भी हम सबको बौद्धों को लागू है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू एक्ट मैरिज से हम लोग अलग है? तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगा अगर यदि मैं संविधान में चेंज करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 25(2) में आज भी हम लोग सारे भारत के बौद्ध लोग हिंदू के अंतर्गत आते हैं, जैन सिख और बौद्ध। शायद
ये बात किसी को पता हो या ना पता हो, तब बाबा साहब को लगा कि संविधान में मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में है मेरे समाज का उद्धार करना। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को वो हिंदू एक्ट को जवाब देने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने धर्मांतर किया। क्या किया धर्मांतर करने के टाइम? गुरु चंद्रमणि को बुलाया। क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, उसकी क्या वजह थी? शायद ये आप लोगों को पता हो पता ना हो भी सकती है, हो भी सकती है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को धर्मांतर करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए हमको स्वतंत्र धर्म की आवश्यकता थी। जैसे हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, वैसे बर्मा भी गुलाम था, लेकिन धर्म के माध्यम से, धर्म के क्षेत्र में आज भी बर्मा का देश स्वतंत्र है। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने गुरु चंद्रमणि द्वारा स्वयं पंचशील ग्रहण की और हमको 22 प्रतिज्ञा दी। कुंता बुद्ध धर्म दिया हमको, अरे बताओ ना, हाँ अरे बौद्ध धर्म तो दिया, कौन सा दिया, हीनयान दिया, महायान दिया, वज्रयान दिया, त्रंतयान दिया, कि पूजा पाठ वाला दिया, कि कर्मकांड वाला दिया, कि विहार बांधने वाला दिया, कौन सा बौद्ध धर्म दिया? 22 प्रतिज्ञा वाला बौद्ध धर्म दिया। तो क्या वो 22 प्रतिज्ञा वाला बौद्ध धर्म आप फॉलो करते हैं? आजकल मैं देखता हूं हमारे भिक्षु संघ में भी बाबा साहब के विरोधक है। बाबा साहब को बाबा साहब बोलने के लिए, उनको वंदन करने के लिए भी शर्म लगती है। लेकिन मैं एक भिक्षु होने के नाते कह सकता हूं, अगर यदि बाबा साहब नहीं होते तो तुम और हम कहां होते? 56 के पहले 2500 वर्ष पहले बुद्ध था, ये किसने दिखाया? बाबा साहब ने दिखाया, किसने दिखाया? दिखाया ना, तो बाबा साहब ने दिया वो बुद्ध मानना है कि कर्मकांड वाला बुद्ध मानना है? तो इसीलिए 22 प्रतिज्ञा ही बाबा साहब का बुद्ध धर्म का सार है। 22 प्रतिज्ञा जिसने समझ ली, उनकी मानसिक गुलामी दूर। अभी हमारे समाज के अंदर देवी देवता का भय, देवी देवता का भय, अगर देवी देवता को पूजेंगे नहीं तो तुम्हारे घर में ब्राह्मणों ने डाल दिया तुम्हारे अंदर भय। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि मेरे समाज का भय मैं निकालने के लिए ये 22 प्रतिज्ञा दे रहा हूं, और ये 22 प्रतिज्ञा ही तुमको इंसान बना सकता है, मानसिक गुलामी से दूर कर सकता है, और मानसिक गुलामी दूर करने के लिए बौद्ध धर्म दिया है। अब आपकी बात है, तुम बड़े होशियार लोग हो। रामचंद्र साहब, लोग बहुत होशियार है, एक तरफ नहीं, नहीं अभी नहीं देंगे, आप बोले तो काय को देंगे, आप आए जो गए, मैं क्यों दूंगा? मैं ये चाहता हूं, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं मानते, कभी कभी क्या होता है, बाबा साहब के धम्म को भारत के बौद्धों पर, जितने भी भारत में बौद्ध है, उनका उनके ऊपर जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने योगदान दिया है, एहसान किया है, वो किसी भी देश के बौद्ध ने नहीं किया है। वो इतना एहसान भारत के बौद्धों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कल मैं राजनांदगांव के था, हमारे धम्मतम भंते जी का कार्यक्रम था, उनको भी लग रहा था कि भंते हर्षबोधी क्या बोलेंगे। कभी कभी जो सच्चाई होती है ना,
वो शेर होता है, तो निडर बात बोलने के लिए डरना नहीं चाहिए, अपनी बात रखने के लिए डरना नहीं चाहिए। एक ही बाबा साहब था, अकेले बाबा साहब थे, 33 कोटि भगवान थे, 33 कोटि देवता थे, लेकिन बाबा साहब डरे क्या उसको? 33 कोटि देवता से, 33 कोटि भगवानों से झड़ के लगड़ कर उनके कर्मकांड से, उनके अंधविश्वास से, उनसे कर्मकांड से, उनके मानसिक गुलामों से निकाल कर तुम्हें इंसान बनाया, और तुम क्या कर रहे? जय बाबा साहब, जय भीम। जय भीम बोलो, किधर भी चलो, तुम्हारे बाप का नहीं जाता ना मेरे बाप का नहीं जाता। कहावत है मराठी में, वर्तुन पांडरे आणि आतून काळे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बोध है? कैसे बोध है बताओ, है आप बोध है? अरे बोलो ना, है तो कैसे बोध है? कैसे? कर्म से। तो मैं तो मानता हूं आचरण से, विचारों से बोध है, लेकिन कायदे से तो नहीं है ना। बाबा साहब आचरण से, विचारों से, विहार में जाने से सब बोध है, लेकिन कायदे से तुम हिंदू है। एक तरफ तुम हिंदू बन के जी रहे हो और दूसरे तरफ बाबा साहब का नाम ले रहे हो। कौन धोखा दे रहा, आपकी मैं, आप लोग? इसलिए भारत के बौद्धों की जनगणना कम है, इसलिए एक तरफ तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे बौद्धों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम माइनॉरिटी बौद्धिस्ट है, अभी तक बौद्धों को यह मालूम नहीं है कि हम अल्पसंख्यक बौद्ध है। कभी अल्पसंख्यक बौद्ध के फायदे लिए? मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख। एक बात स्पष्ट करता हूं, जब सिखों को लगा कि हम भी हिंदू के अंदर है, हम तो सिख है, समुदाय के लोग है, तो 2012 में रामकेके साहब सिखों ने पंजाब के हाई कोर्ट में पिटीशन डाला, और हाई कोर्ट में पहले से ही खूब केस पड़े हैं, इसलिए वो पिटीशन नाकारा। उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। 2013 में सिखों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और 2013 में ही हिंदू से वो अलग हो गए, वकील साहब हो गया। आप जरा रिसर्च करो, 2013 को उनको आनंद याक नाम का एक्ट मिला और वो हिंदू से सेपरेट हो गए। अब क्या कर रहे? कुछ नहीं, वीआर बांधने का काम कर रहे, जगह जगह वीआर बांध रहे। मुझे लगता है 84,000 वीआर खा गए और तुम वीआर बांधने का काम कर लो। 84,000 वीआर है, बराबर है, उसमें से बुद्धगया का महाबोध वीआर बौद्धों के हाथ में नहीं है, तो तुम कैसे बौद्ध है? तुमको तो उल्लू भर पानी, क्या बोलते, चिंपट भर भगा मरना चाहिए, या बौद्धों का वीआर मुक्त होना चाहिए। हाथ ऊपर करो, अगर बौद्ध का वीआर बौद्धगया का बुद्ध वीआर मुक्त होना चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि हाथ उठाने से होगा? नहीं ना, सही बात है कि गलत बात है? शादी करते हो, नामकरण विधि करते हो, कितना पैसा खर्च करते हैं, और धर्म के लिए हम तो ये बोलते हैं। अब अपना चालू करो भाई, अभी क्या बताए, अभी अपना समाज, अपना बौद्ध समाज मुझे लगता है चित्र दिखाई देता है। अभी भंते आनंद जी के वजह से मैं इधर आया, लेकिन लगता है मैं अपने आप को विड्रॉ करूंगा, मुझे ऐसे बौद्धों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बौद्धों की कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, तुमको चीड़ आना चाहिए, तुमको गुस्सा आना चाहिए, जितने चिड़ोगे ना उतना तुम अच्छा काम करोगे। चीड़ आना चाहिए कि नहीं, पैदा होनी चाहिए कि नहीं? चीड़ पैदा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आज डॉक्टर बाबा साहब काश पैदा नहीं होते, तुमको पानी मिलता था, स्कूल में प्रवेश था, मंदिर में प्रवेश था, कुछ भी नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब की देन है।
जो हम सबको मिल रहा है, बराबर है। अभी चलो धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम पूरे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनो, तो क्या शासन करती जमात आप है? नहीं है ना, है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत गलत है, कुछ कह नहीं सकते। अभी भी देखो संविधान को बदलने की बात हो रही है, साधु संन्यासी चिल रहे आरएसएस के, हिंदू राष्ट्र करेंगे, तुमको मत डालने का अधिकार बंद कर देंगे, माइनॉरिटी की हत्या करेंगे, और कर भी रहे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ में उलझे हुए हैं, मंदिरों में पूजा पाठ के उलझे हुए हैं। अगर आज तुमको लड़ाई करनी है तो अपनी स्वाभिमान की, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, संविधान के अगर आर्टिकल कलम जो बदल गए, तुम्हारे जितने भी संविधान में मूलभूत अधिकार है वो डॉक्टर बाबा साहब ने हम अधिकार दिए, आज 19 आर्टिकल भी खत्म करने की बात हो रही है। अगर आर्टिकल 19 खत्म हो गया तो क्या बात करोगे, कैसे बात रखोगे? अपने बात करने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा तो किसके सामने बात करोगे? इसलिए हमको जागरूक रहना है, एक होना, एक रहना है। भिक्खु संघ से भी मेरा निवेदन है, विशेष तौर हमारे भिक्खु संघ का भी संगठन नहीं है, हमारे अंदर भी जैसे आरपीए के टुकड़े मैंने नहीं किए साहेब, समता सैनिक दल के टुकड़े मैंने नहीं किए, भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े मैंने नहीं किए, वैसे भिक्खु संघ के टुकड़े मैंने नहीं किए, आप लोगों ने किए। अगर भारत का भिक्खु संघ, बुद्ध ने जो भिक्खु संघ निर्माण किया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हित के लिए बहुजन सुख के लिए किया है, बराबर है ना? तो बहुजन ताकत, ओ भाई अपने बच्चे को संभालो, वो नाच रहे, अभी से संस्कार नहीं है, कल वो भंते जी बोल रहे थे धम्मतप, मुझे कोई प्रेग्नेंट औरत दिखती है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि बाबा साहब जैसा व्यक्ति पैदा हो, बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा हो, ये पैदा हो रहे है, बराबर है। अरे तुम्हारी नकल जो है ना, क्या बोलते, वंश भी तुम्हारा कुछ नहीं है, बुद्ध का वंश था, 2500 वर्ष होने के बाद भी आज बुद्ध का वंश चल रहा है, मुझे लगता है तुम्हारा जो वंश है नस्ल कुत्तों का भी होती है, बराबर है, और कुत्ते बिल्ली से ज्यादा जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने वाले चातुर्ण वर्ण व्यवस्था के लोगों ने तुमको मानसिक गुलाम बनाया था, और बाबा साहब ने उस मानसिक गुलामी से निकाला है, आज वर्षवास है। लेकिन मैं जिस दिन से समझता हूँ वर्षवास, अभी कोई वर्षवास का मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, ए भाई साहब इधर थोड़ा सा बंद करो आपस में बोलना, नाच गाने होते रहेंगे, नाच गाने भी होना चाहिए, गाने भी होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ गाने से संगठना से, बाबा साहब ने बोला था उस जमाने में कि हो सकता है गाने, एक गाना गाने से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वही बात लेकर चल रहे, और तुमसे ज्यादा गाना मैं गाता हूं। अगर 3 घंटे भंते आनंद जी को दिया जाए, लाख रुपए दिया जाए, तो मैं 1,00,000 रुपए, 1 रुपया इनाम दूंगा अगर 3 घंटे कोई आदमी उठा तो। लेकिन हम चारों तरफ तबले मारते, कोई कुछ नहीं, नाचना भी चाहते, गाना भी चाहते, सब कुछ करना चाहते, धर्म भी सुनना चाहते। तो आज इस अवसर पर आपको धर्म की आवश्यकता है कि नाच गाने की आवश्यकता है, मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता धर्म की आवश्यकता है आपको। जितने लोग आए यहाँ पर धर्म सुनने के लिए, सब सीनियर सिटीजनर है, तरुण बच्चे नहीं है। मैं वीआरओ में देखता हूं केवल एक
धम्मत उस बालाघाट में डेली कंटिन्यूस अच्छा तरुण बच्चे को लेकर काम कर रहे हैं। आज बीआरओ में तरुण बच्चे का आना जरूरी है, तरुण बच्चे में उदासीनता है, और तुम इतने चालाक हो, तुम इतने होशियार हो कि अपने बच्चों को बीआरओ में नहीं भेजेंगे और जो रिटायर है टाइम पास करने के लिए जाएंगे, और जो भंते बीआरओ में रहता है और ज्यादातर बीआरओ में महिला रहती है, ज्यादातर बीआरओ में महिला रहती है, और जब महिला रहती है तो सामने में जो बैठी है लेडीज दो उनके जैसी सुंदर औरत भी रहती है और भंते से बातचीत भी करती है, तो ये इधर की देखने वाली भाई को लगता है भंते जी इससे क्यों ज्यादा बोल रहा है, इसके घर में जा रहा है, इससे बात कर रहा है, इस भाई के पेट में दर्द होता है, और फिर वो भाई बंद कर दू क्या मैं, ये तामझाम तुम्हारा बंद कर दो, नहीं तो मैं बंद हो जाता हूं, ठीक है कि नहीं, अभी डिस्टर्ब होता है आदमी है कि नहीं, फिर वो महिलाएं उस महिला की बुराई करती है, ये महिला उस महिला की बुराई करती है, और फिर भिक्षु क्या करता है, वो भंते जी बदमाश है, वो लेडीज को देख रहे थे, उसके घर में जा रहे थे, प्रचार कौन कर रहा है हम, फिर बात घर तक जाती है, फिर घर वाले बोलते हैं इसलिए तो तुझे कहा था तू क्यों जाती है, वो भंते जी के पीछे पीछे ज्यादा ज्यादा देती है, कोई धर्म नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, वो इसलिए विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि आपके आदमी को मालूम है, आपके आपको भी मालूम है, मेरे मेरे आदमी को महीने में चार बार मटन लगता है, बराबर है, महीने में चार बार मटन खाते कि नहीं, हाँ बोलो ना, खाते हैं ना, और उसके आदमी को भी मालूम है मेरे बीवी को चार बार मटन लगता है, तो ये लोग महिला लोग और आदमी लोग सोचते हैं हमको चार बार मटन लगता है तो ये तरुण तरुण भिक्षु बिगर मटन खाने से कैसे लगते हैं रहते होंगे, इसलिए संदेह पैदा करते हैं। लॉजिकल बात बोल रहा हूं मैं, बात को समझो, और ये इसलिए तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। अभी भंते जी ने बोला था मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ है, मन से संबंधित धर्म का है, कर्मकांडों में नहीं है, वीआरओ में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, खान पान में धर्म नहीं है, आचरण में धर्म है, कृति में धर्म है, और प्रैक्टिकल में धर्म है। अगर जिस दिन प्रैक्टिकल तुम करोगे उसका अनुभव मिलेगा। एक जन बोला मुझे, भंते जी आप क्या करते हैं? मैं सब कुछ करता हूँ, कभी कभी पीते हैं तो पीता हूँ, थोड़ी सी पीता हूँ, अभी भी पीके हूँ, अरे भंते जी दारू पीते हैं, पीना किसको कहते हैं, खाना किसको कहते हैं? हम लोग सोचते, ओ भंते जी, एक भंते जी थाईलैंड का था, अब सिगरेट पी रहा था, महाराष्ट्र के लोगों ने तमाशा बना दिया, वो सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो मटन खा रहा है, उनके देश का कल्चर है, उनके देश में चलता है, ठीक है ना, उनके परिस्थिति चलता है, खाने से खीने से धर्म का डूबा हुआ क्या, आचरण से डूबा है, तुम मटन खाते ना, बरोबर है, तो गंदे हो रहे क्या, ताकत के लिए मटन भी जरूरत है, लेकिन तुम बहुत होशियार है, नहीं नहीं भंते जी आए बैंगन आलू की सब्जी कर दो, मटन मत दे हो, बराबर है, तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन भंते जी को नहीं, भंते जी को काय को मोबाइल चाहिए, भंते जी को काय को गाड़ी चाहिए, भंते जी ऐसा नहीं करना चाहिए, भंते जी वैसा नहीं करना चाहिए, भंते जी अमुक नहीं करना चाहिए, भंते जी तमुक नहीं ना करना चाहिए, तुम कौन होते हो? कभी आपने सोचा कि हर भिक्षु को, हर बौद्ध समाज के लोगों ने, अगर 100 परिवार के बौद्ध लोग है, 200 परिवार के लोग है, अगर 200 परिवार के लोगों ने सोचा कि हर महीने के लिए मैं एक भंते जी को, बुद्ध घोष को 100 रुपए दान करूंगी, 200 रुपए दान करूंगी, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत है? अब तो दान देते नहीं, और आप दानी है नहीं, आप तो मांगने वाले है, बाबा साहब को देने वाला बनाया और आप मांगने वाले हो गए, तो मांगने मांगने की आदत है, तुम क्या दोगे, बाबा साहब ने तुमको देने वाला समाज बनाया, लेकिन जयंती के नाम पर, 14 अप्रैल के नाम पर, 6 दिसंबर के नाम पर तुम केवल मांगते हो, देते नहीं। काश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा होते नहीं तो ये जिंदगी जीने को मिलती, आज अच्छे दाग दागिने, अच्छे घर,
अच्छी फैसिलिटी किसके वजह से मिली? हाँ, बाबा साहब के कारोबार को बढ़ाने के लिए दान करोगे कि नहीं? हाँ, लेकिन तुम होशियार हो, बहुत होशियार भाई लोग है, जो नोट चलते नहीं ना, फटे हुए नोट भंते जी को दान देते हैं। हाँ, अक्सर ज्यादा फटे हुए नोट भंते जी को दान देते हैं। लो भंते जी, कुछ कुछ लोग भाई लोग फूल दान देती है, लो भंते जी फूल। मैं कभी कभी पूछता हूं ये फूल दुकान में चलेगा? कभी कभी भाई लोग आते, भंते जी ये केले लो, आधा दर्जन केला लेगी और तीन वापस मांगेगी, भंते जी प्रसाद दो ना। अरे यार कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा? और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कल भीमराव अम्बेडकर आए थे, मैंने बोला उनको भारतीय बौद्ध महासभा चलाओ, हमारे धम्मतम भंते जी ने बुलाया, राजकीय दर्जा दिया, और हम भंते जी को कैसे भी चलते हैं। भंते जी का सम्मान करना सीखो, भिक्षु के नाम पर भीड़ आना चाहिए, भिक्षु के नाम पर, संघ के नाम पर भीड़ आना चाहिए, राजकीय पार्टी के नाम पर भीड़ नहीं आना चाहिए। और जिस दिन इस देश में धर्म के नाम पर भीड़ होगी तो ऑटोमेटिक राजनीतिक लोग घबरा जाएंगे, तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि बाबा हमको क्या करना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, बराबर है, लोग खट्टा करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए जो एम्बेसेडर बैंड होता है ना, अभी मान के चलो अमिताभ बच्चन इधर ला दो, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन अगर इधर आते तो मुझे लगता पत्र छापने की कोई जरूरत नहीं, इतनी भीड़ होती, बराबर है। ऐसा ही अभी धर्म के नाम पर भीड़ आना चाहिए। तुम इस किस लिए आए बताओ, यहां पर तुम किस लिए आए सब लोग? धर्म सुनने के लिए आए ना, धर्म सुनो, धर्म तुम्हारा साथी है, धर्म तुम्हारा चक्षु है, धर्म तुम्हारा मित्र है, धर्म तुम्हारा कल्याण है, धर्म ने तुमको साथ देगा, धर्म ही तुमको बचाएगा और धर्म ही तुमका उद्धार करेगा, धर्म ही तुमको शांति देगा और धर्म ही तुमको हर प्रॉब्लम से दूर करेगा। इसलिए धर्म तुम्हारा मित्र है, साथी है, सब कुछ है। कोई साथ नहीं आया, कोई साथ नहीं जाएगा। कल भंते आनंद जी ने बोला कुछ साथ लेके आयो, नंगे पैदा है नंगे ही जाओगे, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। लेकिन अहंकार बड़ा है, मैं बड़ा है, मैं बड़ा है, तू बड़ा है, मैं तू में लड़ाई में हम लड़ रहे हैं। प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक दूसरे का द्वेष है, समता नहीं है। धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन धर्म के अंदर हमारे अंदर नहीं है। मैं चिवर भी हूँ, चिवर तो पहना है। कई कई लोग बोलते भंते जी तुम्हारे चिवर को वंदन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उतार के रख देता हूँ, लो उससे बात करो। इतनी मानसिकता, अगर काश, कभी कभी हंसी आती है रामटेके साहब, मैं अभी घोषणा करता हूँ आने वाले रायपुर में इतनी संख्या, इतना ये तो मुझे लगता है रायपुर तो गुडियारी विहार इंदौरा जैसा गढ़ है, इंदौरा जैसा है नागपुर में, लेकिन अभी धर्म से कोई आस्था नहीं है। बाबा साहब के नाम पर उपचारिकता चल रही है, बाबा साहब के नाम पर सब ये चल रहे हैं। अगर तुमको बाबा साहब का संविधान बचाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, महाबोधि महाविहार को बचाना है, तो तुम्हारे चार दिन का मटन खाने का पैसा बचा के रखो, चार दिन के जो जितने लग्न शादी ब्याह करते लाखों रुपए खर्च करना बंद कर दो और धर्म के लिए दान दो, भी कुसंग लड़ाई लड़ेगा। और आने वाले पल में मुझे लगता है हर क्षेत्र में, रायपुर में, हर जगह एक एक भिक्षु ने खड़ा होना चाहिए। अभी तक सब राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं, एक बार भिक्षु संघ को भी प्राधान्य दो, संघ राज लाना पड़ेगा। अगर जिस देश में संघ राज नहीं है उस देश में धर्म, राजकीय श्रेय मिलना चाहिए, राजकीय प्रावधान मिलना चाहिए, राजकीय सपोर्ट होना चाहिए। आज इस देश का राजा धार्मिक नहीं है, वो उनके लिए धार्मिक है, हमारे लिए है क्या? इसलिए राम मंदिर उनको दिया, अयोध्या दी कि नहीं? आप है कि नहीं दिए, है ना? अभी आप जिंदा है ना, जिंदा है कि मरे हुए है? जिंदा है तो जिंदा हुए तो काय को राम मंदिर देते? अगर तुम जिंदा होते तो राम मंदिर अयोध्या का देते?
वो बुद्धगया का मंदिर अपने को नहीं मिलता, इसलिए मरे हुए लोगों तुम जिंदा हो जाओ, जिंदा होकर भी मुर्दे की सारा जिंदगी मत जियो। ठीक है, मेरे बात को बड़ी कड़वी लगती है, मैं कड़वा बोलता हूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग गाली दे और मैं ज्यादा बदमाश कराना चाहता हूँ, और जितनी बदमाशी करेंगे उतना परेशान भी होगा। हाँ बराबर है, वक्त आया तो करना पड़ेगा। आप लोग सारे कर्मकांड करते हो और 22 प्रतिज्ञा भी जो दिल्ली के है उन्होंने ली ना, सर काट देंगे, 22 प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा नहीं बोलनी चाहिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में बोला, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, अब क्यों विरोध कर रहे? इसका मतलब ये है कि हम जागरूक नहीं है, हम केवल वीआरओ तक मर्यादित है। ये वीआर के लोग उस वीआर से संबंधित नहीं है, ये वीआर के लोग उस वीआर पे नहीं जाना चाहते हैं। इतना डिप्रेशन, इतना भाव, इतनी कटु भाव, अगर बुद्ध वीआर है तो बुद्ध वीआर में एक साथ एक ही समय मार एक ही समय पर वंदना सारे रायपुर में चालू होनी चाहिए, तब तो बुद्ध वीआर। ये बुद्ध वीआर भी व्यापारीकरण बन रहे हैं, बुद्ध वीआर के माध्यम से धम्म का प्रचार नहीं हो रहा है, समिति बैठी हुई है, अधिकारी बैठे हुए हैं और भिक्षु को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे अबौद्धों को, और जो बौद्धों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं अबौद्ध, हम उनको बर्दाश्त नहीं कर देंगे, हम ही अपने बौद्धों का नेतृत्व करेंगे, हम ही अपने बौद्धों को अधिकार देंगे और हम ही अपने बौद्धों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि हमारे बात को अच्छी तरह से रख सके, ये सब होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना, तो बस आज इस अवसर पर मुझे बुद्ध घोष ने जो बोलने का मौका दिया, समय दिया, उनका जो वर्षवास था, बहुजन बुद्ध सम्मेलन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये धर्म ही बौद्ध धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी हम भिक्खू संघ ने एक इकट्ठा होकर एक जगह लाकर बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के सामाजिक संदेश को, बुद्ध के सामाजिक संदेश को जनमानस के बीच में प्रचार करने की आवश्यकता है, तब कई बाबा साहब समझ में आएंगे। बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब की देशभक्ति, बाबा साहब का योगदान जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, उसके फीलिंग के साथ समझ में नहीं आएगा, तब तक हम बाबा साहब नहीं समझेंगे। बराबर है, बाबा साहब के ऊपर एक थोड़ा सा बाबा साहब के बच्चे की कहानी बताकर मैं अपने आप को बंद कर दूंगा। राजरतन मरा ना बाबा साहब का, तो बाबा साहब का बच्चा राजरतन मरा, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, अगर पैसे होते तो दवाई ला सकते थे, बराबर है, लेकिन वो माता रमाई वो सोचती थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कुछ लिख रहे हैं और बाबा साहब को कागज की जरूरत है, इस देश के लोगों का उद्धार करने के लिए ये महामानव क्या लिखने वाला है, अगर बाबा साहब को कागज नहीं दूंगी तो समाज का क्या होगा, अगर बच्चे को पैसे दवाई लाती हो तो बाबा साहब का कागज नहीं मिलेगा, लेकिन वो माता रमाई अपने बच्चे को मरने देती है लेकिन बाबा साहब को कागज लाके देती है, वो कौन माता है? और आप एक बच्चा देने के लिए तैयार नहीं है, एक बच्चा धर्म के लिए देने के लिए तैयार नहीं। आज वो बुद्ध घोष कितना यंग है, तरुण है, ऐसे ये बच्चे बने हैं, ऐसे बच्चों का स्वाभिमान बढ़ाओ, ऐसे भिक्षुओं को संघर्ष दान करो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनके दोष निकालने का प्रयास मत करो, गलतियां सबसे होती है, और आदमी गलती करता है तो गलती से आदमी सुधारा जा सकता है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आज इस वर्षवास चिवरदान बुद्ध मास उत्सव के समारोह में मैं जितनी भी बातें बोला, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बात, आने वाले समय में संविधान बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, तो कैसे रक्षा करोगे? तुम्हारे पास एक हथियार है, अपना मत अपना अधिकार, एक वोट एक अधिकार। अगर ये मत अच्छा तुमने संभाल कर रखा तो हम लोग अपने एक अधिकार से एक वोट से सरकार गिरा भी सकते हो, सरकार बना भी सकते। इस बात पर ध्यान रखो, इस बात पर गांठ में बांध लो। और दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि अब हमारे बाद बाबा साहब के बाद हमारे
हितों को, हमारे सपनों को, हमारे अधिकार को रक्षा करने वाला, देने वाला दूसरा पैदा होगा? हाँ, नहीं होगा ना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अपना एक मत्व का होठ संभाल के रखो। संभाल के रखने के बाद उसको ये करो, और आज इस अवसर पर इतना ही करो, बोध लिखो, जनगणना में बोध लिखो, मार लिखना बंद कर दो, नवबोध लिखना बंद कर दो। ये कायदे से संविधानिक शब्द नहीं है, इसीलिए बोध लिखोगे तो तुम्हारी फैसिलिटी है, तुम्हारे आरक्षण भी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब को पूछा गया था कि बाबा साहब बोधों के फैसिलिटी का क्या, बाबा साहब ने कहा तुम्हारे सेफ गार्ड, बुद्धों के सेफ गार्ड मेरे कोट के जेब में लेकर घूमता हूँ। वह बाबा साहब ने इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब आपके ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्या हिंदू होकर मरना चाहते या बुद्ध होकर मरना चाहते, आप बताओ। हाथ हाथ खड़े खड़े हो। अगर बौद्ध होकर मरना चाहोगे तो कैसे बौद्ध बनोगे? दीक्षा लेने से, 22 प्रतिज्ञा लेने से? वो भंते हमारे दीक्षा भूमि कर रहे हैं सालों से, धर्मांतर हो रहा है, लेकिन बौद्धों की जनगणना नहीं मर रही है। इसलिए हमको कायदे से करना पड़ेगा, पिटीशन डालना पड़ेगा हिंदू के लिए, हम हिंदू बनकर नहीं जिएंगे। आर्टिकल 25(2) से हिंदू से पृथक बौद्धों की पहचान बनना चाहिए, और संविधानिक बौद्ध बनने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। क्या मैं आह्वान कर सकता हूँ? अगर मान के चलो रायपुर से कहीं पिटीशन डालने का वक्त आया, 2-3 लाख रुपये पिटीशन का लगते, आप देंगे? ये देखो अभी से डर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, अब हाथ ऊपर डर रहे हैं। अगर वक्त आया तो तुम्हारे 1-1 हजार रुपये संख्या में निकाल कर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और बौद्ध बनने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। संविधानिक दायरे में हम बौद्ध बनाएंगे, और जब संविधानिक बौद्ध बनेंगे, हमारी जनगणना बढ़ेगी, हमारी संख्या बढ़ेगी, तो हमारे सारे अधिकार हमको मिलेंगे। इसी आशा और भावना के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी ने बड़े प्यार से, बड़े दिल से हमको सुना, और इस वर्षवास कठिन चिवरदान के उपलक्ष्य में जिन जिन लोगों ने बुद्ध घोष को योगदान दिया, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और दे दे, कार्यक्रम करना बोले तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है, कार्यक्रम करना तो आने जाने का, टिकट का। कल तो हमारे धम्मतप ने टिकट का भी नहीं देना, पता नहीं कल बंते जी ने 25-30 हजार रुपये तो दान में दिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी बात है खुली बोलता हूँ, कड़वी लगे तो चलेगा, लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं हर्षवोदी किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे हो चाहे मैं हूँ। अगर मैं गलत करता हूँ आप भी मुझे जूते मारो, बराबर है? और जूते मारोगे तो मेरे ही कर्मों से मारोगे, फूलों की माला डालोगे तो मैं ही कर्म से डालोगे, अच्छे कर्म करूंगा तो फूलों की माला जाएगी, और बुरे कर्म करूंगा तो जूते की माला पहनेगी। ये अपने हाथ में तय है। इसलिए किसी भी भिक्षु ने राग द्वेष नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो ग्रुप नहीं, ये ग्रुप नहीं, हम भिक्षु के लिए सारे लोग अपने हैं, अपने अपने हैं। जिसको सम्मान देना है उसको सम्मान दे, जो अधिक अच्छा है उसको अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करे, जो कम बदमाश है वो ज़्यादा बदमाशी नहीं करता उसको ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हुआ एक शेर बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, भीम जैसा नेता हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अम्बेडकर पैदा तुम्हारे अधिकार के लिए, तुम्हारे हित के लिए कभी पैदा नहीं हो सकता। इसी शब्दों के साथ आप सबका, इधर गाना बजाने वाले हैं उनका भी शुक्रिया अदा, आप भी अच्छे गाना बजाएंगे, गाना गाएंगे, और मुझे लगता है रामटेके साहब आए, इधर कुछ वक्ता लोग आए, मुझे रामटेके साहब का अभिनंदन करता हूँ कि कल से उन्होंने मेरे रहना आने जाने का व्यवस्था की है, और तहे दिल से मैं एक बार उनके लिए तालियां बजा दूँ। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप सब एक दूसरे को सम्मान करना सीखो, आप भी उतने ही हैं, हम भी उतने हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।